मोस्ट इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक इंग्लिश का एनालॉगीज। जैसे भाई जी आर ई के हर जगह आते हैं, जी आर ई में भी पहले आया करते थे, लेकिन 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 अगर आप जी आर ई का टेस्ट दे रहे हो, कहीं का टेस्ट दे रहे हो, सी एस एस में आते हैं, कराची यूनिवर्सिटी का टेस्ट में आते हैं, बेहतरीन है वो क्या भी याद रखेंगे। आखिर ये है क्या? स्मॉग के आगे फैंग दिया हुआ होगा और पूछेंगे वी का क्या होगा। तो इस नेक सांप को कहते हैं, और सांप का काटना कहलाता है फैंग, सांप का काटना कहलाता है फैंग। और बी मक्खी को कहते हैं, मक्खी का काटना क्या कहलाता है, स्टिंग। तो बेसिकली यहाँ रिलेशन थी दोनों में किस चीज़ की, काटने की। आगे देखते हैं, बड़ा मजे का टॉपिक है, सारी मैं टाइप्स डिस्कस कर रहा हूँ, फिर हम पास पेपर के भी क्वेश्चन, ये वैसे पास पेपर में आएंगे, लेकिन अभी मैं टाइप वाइज बता रहा हूँ, फिर हम लश प्रैक्टिस करेंगे इसकी। फॉसिल्स का क्रिएचर है, ममीज का पूछ रहे हैं। देखो फॉसिल हर जानदार की मुर्दा बॉडी को कहते हैं, और मम्मी किसकी मुर्दा बॉडी को कहते हैं, ह्यूमन बींग्स की। मूवी थी ना मम्मी, और मम्मी रिटर्न, तो मम्मी अलग है, मम्मी अलग होता है। स्कल्प्टर स्टेचू, स्कल्प्टर का काम क्या होता है, स्टेचू बनाना, और पोएट का काम होता है वर्ड्स यानी पोएम लिखना। ओके, यानी यह प्रोडक्ट की बात है। ओके, बड़ी दिलचस्प बात है। निडल, अब ये क्या हो गया, इंस्ट्रूमेंट और उनका एक्शन। निडल का काम सेफ करना, ऑकर का काम बोर करना। ब्लैक स्मिथ किसको कहते हैं, लोहार को, और गोल्ड स्मिथ किसको कहते हैं, सोनार को। तो कैसे याद रखो, 100 गोल्ड स्मिथ की तो एक ब्लैक स्मिथ की। तो ब्लैक स्मिथ का इंस्ट्रूमेंट क्या कहलाता है, एनविल, और गार्डनर का इंस्ट्रूमेंट क्या कहलाता है, यानी यहाँ पे रिलेशन क्या थी इंस्ट्रूमेंट के। तो ये पहले तो देखो, ये देख लो कि किस तरह बड़ा मज़ेदार टॉपिक है, अब मज़ा आता है इसको करने में, और इंटरेस्टिंग है। इसको जब आप करते हो ना, तो आपकी वोकैब खुद बहुत बिल्ड होती है, एज़ कम्पेयर टू साइनोनिम एंटोनिम याद रखना थोड़ा बोरिंग हो जाता है। मन एनालॉगीज की सूरत में जब हम करते हैं, तो क्या होता है, थोड़ा एक इंटरेस्ट पैदा होता है इसमें।